हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में किया था, डी मॉर्गन थ्योरम के हमने केसेस किया था, स्टेटमेंट की थी, प्रूफ किया था, चारों केस किए थे। उसके बाद मैंने एक वीडियो डाल दी थी फुल प्रूफ की, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे डी मॉर्गन थ्योरम के, कि कैसे हम क्वेश्चन करेंगे डी मॉर्गन थ्योरम के, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है प्रूफ करने के लिए आ जाता है कई बार, कि प्रूफ कीजिए जो आपको क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है। तो डी मॉर्गन थ्योरम कर रहे हैं, डी मॉर्गन थ्योरम प्रूफ करना है। क्वेश्चन है हमारे पास, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ओवर साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा का होल पावर 4। प्रूफ क्या करना है हमने, कॉस 8 थीटा प्लस आयोटा साइन 8 थीटा, हमें ये सॉल्व करके यहाँ तक पहुँचना है, यानी कि ये हमने जो है प्रूफ करना है, ठीक दोस्तों। तो अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपने ये करना है, वैसे ही आपने करना है। कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए, आपको जो स्टेप्स मैं बताऊंगा वैसे आपने करना है। बुक में से करेंगे तो बुक में से कई स्टेप दिए ही नहीं है, तो आप बुक में से मत करना, ठीक है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है अपनी, जो आपको लेफ्ट हैंड साइड दी है, लेफ्ट हैंड साइड कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ओवर साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा की होल पावर 4, ठीक है। उसके बाद हमने जो पावर है अलग अलग टर्म के साथ लिख देनी है, जैसे कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 4, और इसके साथ ही नीचे हमने इनके साथ भी अलग से लिख देनी है, साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा की पावर 4, ठीक है। इतना हो गया, स्टेप वन हो गया। स्टेप टू देखिए अब क्या करना है हमने, ऐसे ही जैसे लिखना हमने ऊपर, जैसे ऊपर लिखा हमने कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 4। अब देखिए साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, ठीक है। कॉस को हम साइन थीटा को हम कॉस पाई बाई टू माइनस माइनस थीटा लिख सकते हैं, प्लस आयोटा कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, ये आगे पावर 4। समझो कैसे किया हमने, ऐसे लिख दी कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 4 लिख दिया। अब यहाँ पर समझने की बात है, साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, क्योंकि पाई बाई टू माइनस थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा चेंज हो जाएगा। उसके बाद कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये एज इट इज कॉस थीटा आ जाएगा। ये यहाँ तक कर लिया आपने, अब देखिए यहाँ तक हम इसको सॉल्व करेंगे, ये एज इट इज रहेगा जो ऊपर लिखा है हमने, इसको अब तक आपने ऐसे रखना है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का होल पावर 4। अब हमने इसको सॉल्व करना है अंदर, ठीक है। यहाँ पर कॉस है और अंदर हम ले लेंगे 2 LCM ले लेंगे, तो क्या बचेगा, पाई माइनस 2 थीटा, ठीक है, प्लस आयोटा साइन पाई माइनस टू थीटा ओवर टू। देखिए ये आएगा ना, जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आएगा पाई माइनस 2 थीटा ओवर 2, आ गया। बाहर क्या था, 4 था, ठीक है। अब क्या करना है, 4 बाहर है तो उसको हमने अंदर ले आना है। अब लगी डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई होने। अब देखिए 4 है तो कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा, पता है ना, अगर एन होगा तो अंदर थीटे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने अभी डी मॉर्गन थ्योरम कराई थी ना, उसमें आपको पता है कि कैसे करते थे, क्या होता था, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर एन इज इक्वल टू कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, जो एन होता है वो आपने मल्टीप्लाई कर देना है थीटे के साथ। तो यहाँ पर भी हमने 4 को मल्टीप्लाई किया थीटे के साथ, तो कॉस 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा आ चुका है। नीचे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को हम कहाँ कर ऐड करेंगे, यहाँ पर करेंगे। अब देखिए कॉस 4 पाई माइनस 2 थीटा ओवर 2 प्लस आयोटा साइन 4 पाई माइनस 2 थीटा ओवर 2, ठीक है। ये देखिए यहाँ तक हो गया, 4 कैसे आया, डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई की, 4 पावर n की जगह 4 है तो हमने यहाँ पर कॉस थीटा के साथ 4 मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इसको काट देंगे, 2 से 2 4 गया, यहाँ पे भी 2 बच गया, ठीक है। हाँ कैसे लिख देंगे हम, कॉस 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा ओवर, यहाँ पर बचा कॉस 2 था, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बचेगा, 2 पाई माइनस 4 थीटा, समझ रहे हो, 2 था ना बाहर, मल्टीप्लाई कर दिया 2 पाई माइनस 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 पाई माइनस 4 थीटा। ये देखिए यहाँ पर ऐसे आएगा, अब कैसे आया, क्योंकि 2 बजा ना, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पाई माइनस 2 थीटा को, तो मल्टीप्लाई किया तो अंदर जा क्या हो गया, 2 पाई माइनस 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गया 4 थीटा, ये आ गया। उसके बाद और हम लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते स्टेप, कॉस 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा ओवर, जो कॉस 2 पाई माइनस 4 थीटा होता है वो होता है कॉस 4 थीटा,
या देखिएगा कॉस 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 2π - 4 थीटा होता है -sin 4 थीटा। ठीक है, यहाँ तक आपने कर लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने किया क्या, कॉस 2π - 4 थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा क्या यहाँ पर 4 है, तो 4 थीटा यहाँ पर हमने लिखा। जो प्लस साइन 2π - थीटा क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, माइनस माइनस साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 4 थीटा है, तो माइनस हमने साथ में लगाना है। तो आगे हम स्टेप करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ से मिटाने जा रहा हूँ, आपने नोट कर लेना है। ठीक है, तो ये आगे हमारे पास आएगा कॉस 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा ओवर कॉस 4 थीटा माइनस आयोटा साइन 4 थीटा। कैसे आया माइनस, क्योंकि साइन 2π - 4 थीटा होता है, जो होता है वो होता है ऐसे, ऐसे सिंपल हम देखें तो ये फॉर्मूला होता है साइन 2π - थीटा, जो होता है ये होता है माइनस साइन थीटा, ये होता है। थीटा की जगह क्या है यहाँ पर, 4 है, तो 4 थीटा, तो माइनस यहाँ पर था लगना था, माइनस अंदर लेके तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, आप उसको ऊपर ले जाएंगे, 4 cos थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा। ठीक है, एज इज अगर ऊपर ले जाएंगे तो पावर प्लस में तो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, तो कॉस 4 थीटा माइनस आयोटा साइन 4 थीटा की पावर -1। ठीक है, डी मोबिस थ्योरम अप्लाई कर दो इसमें, ये तो एज इज रहेगा, कॉस 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा एज इज रहेगा। अब इसमें डी मोबिस थ्योरम अप्लाई करेंगे, माइनस एन को कहाँ मल्टीप्लाई करना है, थीटे के साथ, यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है माइनस एन को, तो जो कॉस -4 थीटा होता है। ठीक है, अब देखिए कॉस -थीटा होता है वो होता है कॉस थीटा। ठीक है, और साइन -थीटा जो होता है वो होता है -sin थीटा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, कॉस 4 थीटा ऐसे एस डी आ जाएगा, क्योंकि कॉस -थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है। ठीक है, तो हमने कॉस 4 थीटा ऐसे लिख दिया। अब देखिए साइन -थीटा कितना होता है, -sin थीटा, तो माइनस माइनस आयोटा साइन 4 थीटा एस डी रहेगा। फिर से हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा, कॉस 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा। समझ आ गया यहाँ तक कैसे किया, माइनस कैसे आया, साइन -थीटा की वैल्यू होती है -sin थीटा, याद रखना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखा साइन -थीटा की वैल्यू होती है -sin थीटा, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस हो गया, दोनों टर्म सेम है, तो क्या आ जाएगा, कॉस 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा के पावर 2। कैसे आया, दोनों पावर सेम है, देखिए यहाँ पर कॉस 4 थीटा है, यहाँ पर भी कॉस 4 थीटा है, यहाँ पर भी आयोटा साइन 4 थीटा है, यहाँ पर भी आयोटा साइन थीटा है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो क्या हो जाएगा, स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, कॉस 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा की पावर 2। अब फिर से यहाँ पर डी मोबिस थ्योरम अप्लाई कर दो, जैसे एन एन यहाँ पर 2 है, ठीक है, एन यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, कॉस के साथ, कॉस 2 * 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 4 थीटा मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस 8 थीटा प्लस आयोटा साइन 8 थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। समझा कैसे किया दोस्तों, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन दिया था हमने, लेफ्ट हैंड साइड लिखी, लेफ्ट हैंड साइड लिखने के लिए हमने सबके साथ दोनों टर्म के साथ 4 हमने अलग अलग ले लिया, अलग अलग लेने के बाद हमने इसके साथ इसमें डी मोगिस थ्योरम अप्लाई कर दी। उसके बाद यहाँ पर हमने साइन थीटा को क्या लिखा था, कॉस π/2 - थीटा, क्योंकि हम साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉस π - 2/थीटा, π/2 - थीटा, कॉस को हम लिख सकते हैं साइन π/2 - थीटा हम लिख सकते हैं। लिखा हमने, जब हमने लिखा तो हमने यहाँ पर सॉल्व किया, 4 को हम अंदर ले गए, तो 4 को हम अंदर ले गए, तो यहाँ पर π - 2 थीटा/2 था, 2 से 2 4 कट गया, 2 बचा, तो यहाँ से हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाएगा कॉस 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा, कॉस 2π - 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 2π - 4 थीटा। जब कॉस 2π - थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, लिख दिया, प्लस आयोटा 2π - थीटा क्या होता है, -sin थीटा होता है, तो यहाँ पर माइनस लगा दोस्तों, तो हमने यहाँ पर माइनस लगाया, ऊपर ले गए, पावर माइनस होगी, डी मोबिस थ्योरम अप्लाई की, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर दोनों टर्म सेम थी, स्क्वेयर ले लिया, स्क्वेयर के बाद हमने फिर से डी मोबिस थ्योरम अप्लाई की, 2 मल्टीप्लाई कर दिया 4 cos थीटा के साथ, और एज इट इज आ गया। तो ऐसे करना है आपने, अगर आपको कोई क्वेश्चन आएगा प्रूफ सेट करने के लिए, जरूरी नहीं है यहाँ पर 4 ही रहेगा, यहाँ पर अगर पावर 5 रहेगी, 6 रहेगी, 7 रहेगी, 8 रहेगी, तो एज इट इज आपने यही कंसेप्ट रहेगा, यही आपने स्टेप बाय स्टेप करना है, और यही आज सॉल्व कर देना है, आप राइट हैंड साइड के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन करने हैं। अभी हम एक और क्वेश्चन करेंगे, जो उसके मेन क्वेश्चन है वो मैं आपको कराऊंगा अगली वीडियो में,
तो इस वीडियो में इतना सही। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर मुझे अपने डाउट्स भेजिए, वहाँ पर आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।